हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में हम बहुत तरह के थर्मोडायनेमिक साइकिल्स देखते हैं, जैसे कि कार्नोट साइकिल, ओटो साइकिल, रैंकिन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, डीजल साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, डुअल साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, जूल साइकिल। ये सारे साइकिल्स की स्टडी थर्मोडायनेमिक्स में की जाती है, लेकिन जो सबसे कॉमन थर्मोडायनेमिक साइकिल है वो है कार्नोट साइकिल, ओटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में पढ़ाया जाता है। ओके, तो आज हम लोग इन्हीं तीन साइकिल के बारे में जानेंगे और इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग चलते हैं कार्नोट साइकिल की ओर। ओके, ये देखिए, ये तीन जो सबसे मेजर साइकिल हैं, इसका मैंने यहाँ पे पेज लगाया है, पीपीटी लगाई है, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। ओके, अब देखिए, कार्नोट साइकिल को समझने से पहले हम लोग इन साइकिल्स में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स में जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस को समझ लें। ओके, जैसे कि कॉन्स्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर जो होता है उसे हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर इसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम इसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम का नाम जो कि यूज़ होता है थर्मोडायनेमिक साइकिल में, वो यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है। लेकिन अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की जाए तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि इस प्रोसेस में ना ही हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से, ना ही मास ट्रांसफर हो रहा है, विदाउट एनी ट्रांसफरिंग ऑफ हीट और मास, इज सेड टू बी एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, और वही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम लोग किसे कहते हैं? तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम लोग तब कहते हैं जब एंट्रोपी हमारी सिस्टम की कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो उसे हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये आप 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो पांच प्रोसेस है इसी को हमें देखना है कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में। ओके, ये तीन प्रोसेस जो है इनके बारे में हम कभी फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में सबसे पहले देखेंगे। कार्नोट साइकिल जो है उसे सारी कार्नोट जो कि 1796 से 1832 में इन्होंने अपने योगदान थर्मोडायनेमिक्स के क्षेत्र में दिया। ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे, 1824 में इन्होंने अपना कार्नोट साइकिल को प्रपोज किया था। ओके, दुनिया के सामने जो है इनकी बुक पब्लिश हुई थी जिसमें इन्होंने कार्नोट साइकिल के बारे में बताया। ओके, तो ये कार्नोट साइकिल एक्चुअली में जो है ये 4 स्टेप में वर्क करता है, जिसमें 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस दिखाए गए हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो कार्नोट साइकिल हमें एक ऐसे हीट इंजन के बारे में बताता है जिसकी इफिशियंसी 99.9% होती है, मीन्स लगभग लगभग इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी होती है। ओके, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी, कोई भी शंका नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी हीट, आज के टाइम में जितने भी हीट इंजन अवेलेबल हैं उनमें किसी की भी इफिशियंसी 40 to 50% से ज़्यादा नहीं होती है। ओके, हीट इंजन हीट एनर्जी ही अपने आप में एक लो ग्रेड एनर्जी है, और वो मैकेनिकल वर्क में आप अपने आप को जब कन्वर्ट करता है तो उसमें बहुत सारी हीट एनर्जी लॉस होती है। ओके, तो जितने भी हीट इंजन है उनकी इफिशियंसी लगभग लगभग अप्रॉक्स, अगर मैं बात करूं, एवरेज अगर मैं बात करूं तो 40% के आसपास होती है। लेकिन वहीं कार्नोट क्या कहते हैं अपने साइकिल में कि एक ऐसा इंजन जिसकी इफिशियंसी 99% है। ओके, तो ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है। अब इस साइकिल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कार्नोट साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को यूज किया है। ओके, ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अब ये देखिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल का मतलब क्या है? तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का वो कॉन्स्टेंट रहता है,
टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। ओके, तो सेकंड हमारा बी से लेके सी तक है। अभी एक्सपेंशन अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंशन कब हो रहा होता है, जब पिस्टन जो है नीचे की तरफ जा रहा होता है तो एक्सपेंशन हो रहा होता है। ओके, तो ये जो एक्सपेंशन है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। ओके, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हीट और मास दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है सिस्टम से। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो इन्होंने बात की है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की या एडियाबेटिक एक्सपेंशन की, ये लगभग लगभग किसी भी हीट इंजन में पॉसिबल ना के बराबर होता है, क्योंकि हमारा हीट जो है वो सिस्टम से ट्रांसफर होगा ही, और मास हो सकता है कि हम लोग जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन नहीं है या इनलेट वाल्व ओपन नहीं है तो मास ट्रांसफर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हीट ट्रांसफर होता ही होता है। इसीलिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन आप अपने आप में एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ओके, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आइसोथर्मल का मतलब फिर से यहाँ पे है हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अब जब भी कंप्रेस हम लोग करेंगे, किसी भी चार्ज को कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर राइज होता है। ओके, यहाँ पे प्रेशर तो राइज करता हुआ दिखा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट दिखा रहे हैं। ओके, इसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर से यहाँ पे नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, और जिस वजह से, क्योंकि इन्होंने एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन दिखाया है अपने सिस्टम में, इसी वजह से इनका हीट इंजन जो है ये मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पा रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब हम लोगों को कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा एलिमेंट यूज़ करना होगा जिससे कि हम लोग ऐसा कम्बशन चेम्बर बना सकें जो कि हीट को ना तो अंदर आने दे जाने दे ना तो बाहर जाने दे, बाहर से है ना कि देर इज़ नो एनी हीट एक्सचेंज, और ये अपने आप में पॉसिबल नहीं है। हीट एक्सचेंज तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ हीट एक्सचेंज होना एक तरह से ज़रूरी भी है, क्योंकि अंदर में अगर जो भी हीट बन रही है उसका अगर कुछ हिस्सा बाहर रिलीज नहीं होगा, इसके लिए हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम भी लगाते हैं, अगर ये बाहर रिलीज नहीं होगा तो अंदर का टेम्परेचर जो है उसके रेंज से बाहर चला जाएगा, और ऐसे में सिस्टम हमारा फेल हो सकता है। इसीलिए हीट बाहर जाना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को आसानी से झेल पाए। अब टाइटेनियम की बात अलग है, टाइटेनियम का हम लोग सिलेंडर नहीं बनाते हैं। ओके, हम लोग क्रोमियम वगैरह यूज़ करते हैं। तो अब वाइब्रेनियम एक हाइपोथेटिकल जिस तरह से एलिमेंट है, ठीक उसी तरह से ये कार्नोट इंजन जो है ये हाइपोथेटिकल इंजन है। ओके, अब हम लोग ऑटो साइकिल देखेंगे। देखिए यहाँ पे कार्नोट साइकिल इज नॉट अ प्रैक्टिकल साइकिल, इन ऑर्डर टू अचीव आइसोथर्मल प्रोसेस द पिस्टन हैज टू मूव वेरी स्लोली सो दैट द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग हीट एक्सचेंज, बट इन ऑर्डर टू अचीव एडियाबेटिक प्रोसेस द पिस्टन हैज टू मूव वेरी फास्ट सो दैट देर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, पिस्टन को बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करना चाहिए, वहीं हमारा आइसोथर्मल के लिए पिस्टन को बहुत ज़्यादा स्लो मूव करना चाहिए, और ये एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है सिंस आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आर टेक प्लेस सिमल्टेनियसली, द साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, ऑटो साइकिल, तो ये देखिए ऑटो साइकिल में ये जो वन से हमारा जो है प्रोसेस शुरू हो रहा है, और ये वन से लेके टू तक एसेंट्रोपिक प्रोसेस है। एसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, इंट्रोपी, इंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। इंट्रोपी क्या होती है स्टूडेंट, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज सेड टू बी इंट्रोपी। तो यहाँ वन से लेके टू तक इंट्रोपी जो है कांस्टेंट है, उसके बाद टू से लेके थ्री तक हमें वॉल्यूम कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रही है, और उसी समय हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम को दी जा रही है। ओके, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट एनर्जी इन कर रही है। उसके बाद थ्री से लेके फोर तक फिर से हमें एसेंट्रोपिक प्रोसेस देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पे ये जहाँ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, वहीं थ्री से लेके फोर तक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन
हो रहा है। देखिए आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जब होगा तो प्रेशर घटेगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जब होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और उसके बाद 4 से लेके 1 तक हीट जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से देख सकते हैं कि सिस्टम में हीट जा भी रहा है और सिस्टम से हीट बाहर भी जा रहा है। ओके, तो हीट एक्सचेंज हम लोग देख सकते हैं, जो कि एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। ओके, द ऑटो साइकिल इज द आइडियल साइकिल फॉर स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन मीन्स स्पार्क प्लग से जिसमें फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है, दैट मीन्स पेट्रोल इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। इट इज नेम्ड आफ्टर निकोलस ए ऑटो हु बिल्ट ए सक्सेसफुल 4 स्ट्रोक इंजन इन 1876 इन जर्मनी यूजिंग द साइकिल प्रपोज्ड बाई फ्रेंच मैन बियो डे रोचास इन 1862। अब देखिए ये साइकिल जो प्रपोज किया था वो फ्रेंच मैन बियो डे रोचास ने किया था, लेकिन इस साइकिल के बेसिस पे इंजन जो डिजाइन किया वो निकोलस ए ऑटो ने किया। ओके, और ये ऑटो साइकिल एक प्रैक्टिकल साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल है, और इसे पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है। ओके, ये देखिए 1 से लेके 2 तक मैंने पहले ही बताया था आपको, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, फिर 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है जो कि एक पावर स्ट्रोक भी है, इसी में हमें पावर मिलता है। ओके, गैसेस फॉर्म होते हैं जिसके से पावर मिलता है, और ये 4 से लेके 1 तक है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इसे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 2 से लेके 3 और 1 से लेके 4 दो जगह जो है हमें कांस्टेंट वॉल्यूम देखने को मिल रही है। TDC मीन्स टॉप डेड सेंटर, BDC मीन्स बॉटम डेड सेंटर। ओके, अब ये कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, कंप्रेशन रेशियो के लिए V1/V2 होता है, अब एक्सपेंशन रेशियो के लिए V4/V3 होता है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कंप्रेशन रेशियो जो है हमारा यूज़ होता है न्यूमेरिकल में। ओके, V1 हमारा देखिए ये आपको मैंने शुरू में आप देख सकते हैं ये पोजीशन है ना, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, ये सारे पोजीशन है पिस्टन के, पिस्टन का टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर V1 और V2 जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब ये हीट सप्लाइड सिस्टम में जो हीट सप्लाइड हो रही है, यहाँ पे देखिए जो हीट ये सप्लाई की जा रही है 2 से लेके 3 तक, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो MCV T3 - T2। अब ये आप देखिए T3 क्या है, T3 तो ये जो टेम्परेचर है 3 पॉइंट पे उसे T3 कहते हैं, और T2 मीन्स इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है उसे T2 कहते हैं। ओके, और ये M जो है हमारा मास को रिप्रेजेंट करता है, और ये CV जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, फिर हीट रिजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हीट रिजेक्ट T4 - T1। ओके, MCV, और नेटवर्क डन कितना होगा, तो Q in - Q out, और इफिशियंसी क्या होती है 1 - Q out / Q1, और अगर इसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना होगा तो इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसके अलावा हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्यू आउट के लिए, MCV T4 - T1 / MCV T3 - T2। ओके, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं। जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा अपने वीडियोस में तो इन सारे फॉर्मूला को और ज़्यादा एलेबोरेट करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब हम लोग जाते हैं डीजल साइकिल की ओर। ये देखिए डीजल साइकिल, डीजल साइकिल में हम 1 से लेके 4 जहां कांस्टेंट वॉल्यूम देख पा रहे हैं, वही 2 से लेके 3 तक हम लोग कांस्टेंट प्रेशर देख पा रहे हैं। ये डीजल इंजन के लिए यूज होता है, और इसे रुडोल्फ डीजल ने प्रपोज किया था 1890 में। अब ये 1 से लेके हो रहा है 2 तक शुरू, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, ऑफकोर्स कंप्रेशन होता है 1 से लेके 2 पे, जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे ही हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं। ओके, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, फ्यूल जो है जो भी अंदर गया था वो हीट ऐड होने पे उसमें कंबशन प्रोसेस हो गया, अब हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ओके, और फिर 4 से लेके 1 तक हमें जो है हीट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, मीन्स एग्जॉस्ट भी बोलते हैं ये वाले 4 से लेके 1 तक को, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। ओके, तो ये है हमारा डीजल साइकिल। डीजल साइकिल के लिए भी
जो फॉर्मूलाज होते हैं वो लगभग लगभग सेम होते हैं, बस यहाँ पे एक अंतर है, एक डिफरेंस है। आप डीजल साइकिल में देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पेट्रोल इंजन में या ऑटो साइकिल में दोनों क्यू हीट इन और हीट आउट में दोनों में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यूज़ कर रहे थे, वहीं हमें डीजल साइकिल में, डीजल साइकिल में आप देख पा रहे होंगे कि हीट इन जो है उसका फॉर्मूला है एम सी पी टी थ्री माइनस टी टू। इसके लिए हम लोग फिगर देखते हैं, ये देखिए T3 से लेकर T2 तक, तो T3 से T2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए ये सीपी यूज हुआ है। सीपी का फुल फॉर्म क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बस यही डिफरेंस है डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल के फॉर्मूला में। यहाँ पे जैसे ही हमारा डीजल साइकिल होगा तो हीट सप्लाइड जो है वहाँ पे फॉर्मूला एम सी पी टी थ्री माइनस टी टू का लगेगा, और हीट रिजेक्शन में हम लोग फिर से सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, हीट रिजेक्शन में वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट एडिशन में प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप ऑटो साइकिल में देखें तो यहाँ पे दोनों ही टाइम पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसीलिए जो फॉर्मूला यूज हुआ था ऑटो साइकिल में वो यहाँ पे सीवी दोनों में लगा था, हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्शन दोनों में ही सीवी लगा था, दैट मीन्स हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे क्योंकि 3 से लेके 2 तक या 2 से लेके 3 तक जो हमारा ये साइकिल ये है प्रोसेस है, जो प्रोसेस हो रहा है 2 से लेके 3 तक, यहाँ पे जो हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर है, इसीलिए यहाँ पे सीपी यूज हो रहा है, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बाकी सारा फॉर्मूला हम एज सेम यूज करेंगे। ओके तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल को, और हम लोगों ने इसके बीच में थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी देखा। ओके तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं स्टूडेंट, थैंक यू।